फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डेली यूज में आप मेकअप कैसे करो। ऑफिस और कॉलेज वाली जो गर्ल्स होती हैं, वो डेली कॉलेज और ऑफिस जाती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मेकअप के सारे स्टेप फॉलो करते हुए जाएं, तो इससे बहुत दिक्कत होता है। तो आज मैं एक ऐसा मेकअप बताऊंगी कि जो आप डेली कर सको और बहुत प्रिटी और अट्रैक्टिव और बहुत ही प्रेजेंटेबल लगोगे दिखने में। तो हम ये मेकअप स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊँ कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हे फ्रेंड्स, तो हमें पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है। मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए एलोवेरा जेल लिया है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो मैं एलोवेरा जेल लगाना अपने फेस पे ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरी ऑयली स्किन है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसे टैप मोशन में, और जिस तरह से मैंने लगाया वैसे ही आपको लगाना है। नेक को आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको नेक और ईयर्स पे जरूर लगाना है, और अच्छे से इसको अब्जॉर्ब होने देना है, और ऊपर साइड में आपको लेके जाना है। अब मैं लैक्मे का सीसी क्रीम लूँगी, और सीसी क्रीम को मैं टैप मोशन में सभी जगह पे हल्का हल्का अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरे जो भी एक फेस को, ये डेली यूज़ के लिए सबसे बेटर होता है। फाउंडेशन की जगह आप सीसी या बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सीसी क्रीम यूज़ किया है, और एक ब्रश के हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके लिप्स भी थोड़े डार्क है तो आप उसको भी अच्छे से कवर अप कर सकते हो। और मैंने अच्छे से ब्रश को, क्या क्या आप, अगर ब्रश नहीं हो आपके पास तो ये ऑप्शनल है, आप अपने हाथों से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। मेरे पास ब्रश था तो मैंने ब्रश का हेल्प ले लिया। और अगर देखना कि ब्रश से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो हल्का सा उसको गीला करके भी आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, इससे आपका बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। तो अब मैं पूरी तरह से अपने फेस पे बीबी क्रीम, सीसी क्रीम को अप्लाई कर लिया है। नेक को मैं नहीं भूलूँगी, नेक को भी मैं पूरी तरह से कवर अप कर दूँगी। और अब इसके बाद हमें अपने लिप्स पे आना है। तो मैंने अब लिप लाइनर लिया है, और लिप लाइनर से मैं अपनी लिप्स को पूरी तरह से लाइन अप कर लूँगी। ये बहुत इजी होता है, और आपके लिपस्टिक को पूरे दिन तक स्टे करा के रखता है। आप चाहे डार्क लगाओ चाहे लाइट लिपस्टिक लगाओ। मैंने लिपस्टिक को पूरी अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया, और हल्का हल्का मैं डॉट बना लूँगी। इससे क्या होता है कि आपका लाइनर और लिपस्टिक का कलर एकदम मिक्स हो जाता है, और बहुत प्यारा प्रिटी लगता है। तो अब मैं VLCC का लिपस्टिक लूँगी, और ये मैंने पिंक शेड चूज़ किया है। अगर गर्मी में आपको न्यूट शेड लगाना है तो न्यूट शेड लगाओ, और अगर लाइट अप्लाई करना है तो लाइट भी। मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग पिंक को थोड़ा सा डार्क हल्का सा किया है। आप चाहो तो इसे लाइट भी यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी लिपस्टिक। हाँ फ्रेंड्स, और आपको उसी लिपस्टिक से थोड़े से अपने चिक पे भी लगा लेना, ये बहुत अच्छा लुक दे देता है, और आपका लिपस्टिक और आपके फेस से थोड़ा सा मैचिंग अगर लगे तो और ज़्यादा ही प्यारा लुक आ जाता है। आपको डेली यूज़ पे आप कर सकते हो ये टिप फॉलो। तो अब मैं क्या करूँगी, ब्रश की हेल्प से कॉम्पैक्ट लूँगी, और आपको पता ही है कि कॉम्पैक्ट से क्या करना है, आपको पूरा सेट करना है। मैंने चिकटिन करने के बाद कॉम्पैक्ट से सेट किया है। तो अगर आप डे में हो, बहुत लाइट मेकअप है आपका, तो आप लास्ट में कॉम्पैक्ट से सेट कर सकते हो। तो मैंने चिकटिन करने के बाद, अब देखो मेरे टी जोन में बहुत ज़्यादा मेकअप खराब, जल्दी मेकअप ख़राब हो जाता है मेरा, तो इसलिए मैं टी जोन में अच्छे से कॉम्पैक्ट लगाऊँगी, और फिर मैं अपने नेक को और ईयर्स को नहीं भूलूंगी, उस पर भी अच्छे से लगाना है, ताकि वो इवन अच्छा एक जैसा ही लुक आए। और मैं देखो अपने नोज़ पे, यहाँ मुझे बहुत ऑयली फील होता है गर्मियों में, तो मैं ऐसे करके इसको लगाना नहीं भूलती हूँ। तो आप इस तरह से मेकअप करके रोज़ भी रह सकते हो, बहुत अच्छा और प्रेजेंटेबल लुक देता है। अब मैं क्या करूँगी, मस्कारा लूँगी और आँखों पे मस्कारा लगा लूँगी। अगर आपके पास लाइनर के लिए टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ सिर्फ मस्कारा लगा भी लोगे तो भी आपकी आँखें बहुत प्यारी और बहुत अच्छा लुक आ जाएगा आपको। तो आप अगर काजल या लाइनर लगाने में आप जल्दी में और आप नहीं लगाना चाहते हो, तो मस्कारा लगाना कभी अवॉइड मत करना। इससे आपकी आँखें बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगती है, देखो किस तरह से बड़ी बड़ी दिख रही हैं। अब मैं क्या करूँगी, काजल, मुझे काजल लेना था, बट मैं कलर काजल लगाती हूँ इसलिए क्योंकि मेरी आंखें बहुत छोटी लगती हैं ब्लैक काजल से, और इंडियंस लड़कियों को तो काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने वाटर लाइन में नहीं लगा के, मैं अपनी आंखों के वाटर लाइन के एक से नीचे लगाती हूँ और उसको स्मच कर लेती हूँ। ये मेरे लुक को बहुत अच्छा कर देता है, और मेरी आँखों को भी बड़ा कर देता।
फ्रेंड्स ये पूरी तरह से ऑप्शनल है कि आपके पास अगर हाइलाइटर हो तो आप यूज़ करो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास था तो मैं हाइलाइटर क्या करती हूँ डेली यूज़ में हल्का सा अप्लाई करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और हल्का सा टैप करके इसे आपको अप्लाई करना है फेस पे, अपने चिक्स पे और फोरहेड पे, नोज़ पे आप अगर लगा लेते हो तो ये बहुत प्यारा आपको एकदम शाइनिंग दे देता है। अलग सा जैसे लगता है कि नहीं आपने कोई मेकअप किया नहीं, आपकी नेचुरली आपका स्किन इतना अच्छा लग रहा है। और हाँ मैं लास्ट में रोज़ मैं अपने आईब्रोज़ को सेट नहीं करती हूँ, तो मैं हल्का सा क्या करती हूँ आईब्रो सेटिंग ब्रश से उसको अच्छे से फील करती हूँ, क्योंकि डे में आप रोज़ अपने आईब्रोज़ को सेट करके उस तरह से पूरा आईब्रो ब्रश से तो मुझसे तो नहीं होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ बस ब्रश से सेट कर लेती हूँ। अब देखो मेरा लुक कितना अच्छा आया है। आप किसी तरह भी कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। मैंने ऐसे पिन अपने हेयर्स को ओपन रख के एक पिन लगाया है हार्ट शेप वाला, और ये बहुत अच्छा लुक दे देता है। और देखो ये कितना प्रेटी प्रेजेंटेबल लुक दे रहा है। तो आप ये लुक रोज़ क्रिएट कर सकते हो, लिपस्टिक आप चेंज कर सकते हो। और हाँ आप आईलाइनर अगर आपके पास टाइम है तो आप लाइनर यूज़ कर लेना। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना तो मत भूलना कि कैसा लगा, और आपकी कमेंट्स बहुत अच्छे।